पास 1 किलो के करीब दूध है, ठीक है। 1 किलो की मैं दही जमाने लगी हूँ, इसको मैंने भलाई के साथ ही रख दिया है चूल्हे पे। इसको आपने ये फिंगर हल्की सी डाल के चेक करना है, इतना ही गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर जो है ना वो इसमें जाए और आपको हल्का सा गर्म फील हो। तो अभी इसमें थोड़ी सी रहती है कसर, इतनी देर में जितनी देर में ये गर्म हो रहा है हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे एक बॉक्स, ठीक है, जिसमें हमने दही जमानी है। एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई हवा की क्रॉसिंग ना हो। यहाँ पे मैं नेस्ले योगर्ट की दही जमा लेती हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्च के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ घर की पड़ी हुई दही बट मीठी होनी चाहिए। इसमें मैंने 1 चम्मच, ठीक है, 1 खाने का चम्मच दही इस तरह फैला लिया है, ठीक है। और उसके बाद में अब हम चेक करते हैं अपने दूध को। अच्छा जी, अब ये देखें इसमें मैंने फिंगर डिप करके देखिए तो ये बिल्कुल हल्का सा नीम गरम सा है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमारा दूध थोड़ा सा नीम गरम हो चुका है, ठीक है, जो हमने चेक किया था, उसको हमने थोड़ा ऊपर रख के और फिर ऐसे करके डालना है, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि इस तरह इसमें बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और ऐसे ऊपर से डालना है। जब ऐसे डाल दिया आपने सारा, और बलाई डालने का मकसद ये है, और इसको एयर टाइट कर देना है। बलाई डालने का मकसद ये है कि ये बड़ी अच्छी थिक दही जमती है, ठीक है। अब मैं इसको किसी कैबन में रख दूँगी, ठीक है, ताकि कैबन में ना ये अच्छे से जम जाता है। कैबन में रख के अब सर्दियां हैं तो मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी सारी रात के लिए, ठीक है। कैबन तकरीबन हम सारी रात के लिए बंद कर देंगे। और चलें अब देखते हैं हमारे दही का क्या हाल है। जी, मैंने इसके ऊपर ये रख दिया था कैबन में, और चलें इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस टाइम इसको आपने ना तोड़ना नहीं है, ठीक है, चम्मच नहीं लगाना। इसको हम ना तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए इसकी कंडीशन, ये सख्सख सा है हल्का सा, ठीक है, ये देखिए हिल नहीं रहा, हल्का हल्का हिल रहा है। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें, और फिर फ्रिज में रखने के बाद बाहर निकाल लिया दही को, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, इसकी कितनी अच्छी थिकनेस आई है, बिल्कुल ऐसे है जैसे कुंडे का दही होता है ना जो हम बाज़ार से लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा दही जमा, और बिल्कुल मोटा बलाई के साथ। जो बच्चे दूध नहीं पीते, पसंद नहीं करते, उनको आप इस तरह भी दही खिला सकते।